हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के सीरियल प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी के बारे में। तो गाइज, ये शो को रिसेंटली मिली थी एक्सटेंशन, और मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू टाइम स्लॉट पे भी अगर शो की टीआरपी अच्छी रहती है तो शो को और भी ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाएगी, 6 महीनों तक की एक्सटेंशन इसकी जा सकती है। तो गाइज, अब ये एक्सटेंशन के चलते हुए अब एक सीरियल में हमें एक नई री एंट्री देखने को मिलने जा रही है आने वाले एपिसोड्स में। तो शालिनी महल, जो कि सीरियल में पहले मायरा रंधावा का करेक्टर प्ले किया करती थी, यानी कि रवि की सिस्टर का रोल प्ले करती थी, और ये शो से एग्जिट हो गई थी, लेकिन अब इनकी री एंट्री होने जा रही है इस सीरियल में। आने वाले एपिसोड्स में मायरा रंधावा का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, और पहले जिस टाइप का इनका करेक्टर था वो ये था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा हुआ करेक्टर था और अपनी फैमिली वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी और ये सब। लेकिन गाइज, अब जब ये वापस आएंगी शो में, इनकी वापसी के साथ इनके करेक्टर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, काफ़ी बदलाव और चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो बदलाव क्या होंगे, इस बार इनका काफ़ी नेगेटिव शेड देखने को मिलेगा। इस बार एज अ नेगेटिव करेक्टर बन के ये वापस आ रही हैं इस सीरियल में। इस बार इनकी जो एंट्री होगी उसके बाद ये प्रतीक्षा की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, प्रतीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी इनकी री एंट्री से। तो हमारा रंधावा का करेक्टर वापस आने जा रहा है अपने एक नए रूप के साथ, और इनकी एंट्री के साथ सीरियल में काफ़ी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस री एंट्री के लिए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, और धर्मपत्नी के करंट एपिसोड्स पे आपका क्या ख्याल है, पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। सारी अपकमिंग धर्मपत्नी की न्यूज़ और कलर्स टीवी की सारी अपडेट्स सब पाने के लिए हमारे चैनल टेलीवुड अपडेट से बने रहिए। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।